हे गाइस, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी? आई होप दिस टाइम डूइंग वेल एट होम एंड दिस टाइम गुड एट होम. तो नाउ कम ऑन, लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक. बिकॉज प्रीवियस क्लासेज आई जस्ट टोल्ड यू अबाउट समथिंग यूक्लिड डिवीजन मेथड एंड यू नो एल फाइंड आउट LCM एंड SCF. तो आई डोंट थिंक सो दैट आर डिस्टेंस सो हार्ड. बट नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट रियल नंबर्स. ओके, तो रियल नंबर्स की बातें करने से पहले मैं बातें करूँगा थोड़ी सी रैशनल नंबर्स के बारे में और इरेशनल नंबर्स के बारे में. आई थिंक सो कि आप लोग पहले भी इस चीज़ इन चीज़ों के बारे में पढ़ चुके होंगे कि रैशनल नंबर क्या होती है, दैट दीज नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू. बट कंडीशन ये होनी चाहिए कि वहाँ पे क्योंकि वाली वैल्यू है वो जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए. और एक और चीज़ ध्यान रखना बेटा, जो रैशनल नंबर होगी इसमें जैसे 2/5 जो दोनों आपके पी और क्यू हैं वो कैसे नंबर्स होंगे? को प्राइम नंबर होंगे. कैसे नंबर होंगे? को प्राइम नंबर. अब को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर दैट इज़ ओनली डिविजल बाई इट सेल्फ एंड वन. ओके, जैसे 5/7 यहाँ पे देख सकते हो दोनों पी अपॉन क्यू 5 और 7 है, दोनों क्या है आपके? को प्राइम नंबर है. अंडरस्टैंड? तो रैशनल नंबर में इस तरीके से होना चाहिए कि आपके दोनों पी और क्यू है वो को प्राइम नंबर होनी चाहिए. ओके, इसके अलावा हम बातें करें रैशनल नंबर्स की, तो द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ दिस सिंबल रूट पी. ओके, पी इज स्टैंडिंग इंटीजर, सॉरी पॉजिटिव इंटीजर. तो कोई भी नंबर जो आपके इस रूट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके दैट इज कॉल्ड जस्ट रैशनल नंबर. अंडरस्टैंड? ओके, तो हमने यहाँ पे बातें की, आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर रूट 2 है, रूट 5, रूट 7, ऑल इज जस्ट कॉल्ड रैशनल नंबर. अंडरस्टैंड? नॉट रूट 4. रूट 4 इज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2. अंडरस्टैंड? जितनी भी आपके रूट की फॉर्म में नंबर होंगी वो आपके सारे कैसे नंबर्स होंगे? रैशनल नंबर्स. ओके, तो अब यहाँ पे हम बातें करने वाले हैं कि हाउ टू जस्ट एंड प्रूव कि एनी नंबर इज जस्ट एंड रैशनल रैशनल, इसको हमको फाइंड आउट करना है. जैसे मैं कहूँ रूट 2 इज अ रैशनल नंबर एंड रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, तो यहाँ पे मैं दो पार्ट बांट देता हूँ कि आपके एक तो है रैशनल, सॉरी दो पार्ट बांट देता हूँ. एक तो आपकी होती है, आपने प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी होगी पिछली कक्षाओं में, कि आपके जो भी रैशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है उनका सम है वो एक इरेशनल नंबर ही होता है. कहने का मतलब ये है कि अगर मैं एक रैशनल नंबर लूँ और एक रैशनल नंबर लूँ, उन दोनों का सम करूँ, मल्टीप्लिकेशन करूँ, डिवीजन करूँ, चाहे कुछ भी करूँ, जैसे रूट में 5+2 वो क्या होगा? एक रैशनल नंबर ही होगी. रूट में 3+3, रूट में 3-5, रूट में 3 × √3, √5/2, ये सब क्या होंगी आपके? इरेशनल नंबर. कहने का मतलब ये है कि अगर आप द सम ऑफ द टू रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एवरी विल बी जस्ट व्हाट? इरेशनल नंबर. ओके, जितनी भी नंबर होंगी वो सब आपके क्या होंगी? इरेशनल नंबर होंगी. तो कम ऑन, लेट्स नाउ फाइंड आउट कि हाउ टू जस्ट प्रूव कि दैट नंबर इज जस्ट इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर. किसी भी नंबर को हमको प्रूव करना है कि ये एक रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है. बस उससे पहले थोड़ा सा प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए रैशनल नंबर की. रैशनल नंबर की, रैशनल नंबर में ये होना चाहिए कि आपके जो भी इरेशनल नंबर है उसमें जो भी आपके पी अपॉन क्यू हैं, आपने लिए हैं ए अपॉन बी, जो भी लिए हैं, वॉट एवर यू आर टेकिंग, आई डोंट केयर, तो उसमें आपके दोनों नंबर को प्राइम नंबर होने चाहिए. को प्राइम मीन्स हैव नो एनी फैक्टर अदर देन वन. वन के अलावा आपके कोई भी और फैक्टर नहीं होना चाहिए. अंडरस्टैंड? ओके, तो इसके अलावा हमारी एक प्रॉपर्टी और आती है यहाँ पे, एक थ्योरम है कि जैसे कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर ले लिया मैंने a² या आप जनरली जानते भी हैं हम, जैसे कोई भी नंबर है जैसे 25 है या मैं लूँ 5² मीन 25, ठीक है ना? तो ये अगर किससे डिवाइड है, मान लो ये 5 से डिवाइड है, तो जो जिस नंबर का ये स्क्वायर था वो नंबर भी आपके 5 से क्या होगा? डिवाइड होगा. जैसे मैंने कोई भी नंबर लिया a², वो डिवाइड है किससे? पी से, ठीक है? कोई भी नंबर लिया, कोई भी ले लेता हूँ मैं, पॉजिटिव इंटीजर a है, वो 5 पी से डिवाइड है, तो उसका जो स्क्वायर रूट है, जो जिस नंबर का वो स्क्वायर है a, वो भी क्या होगा? डिवाइड होगा किससे? पी से. अंडरस्टैंड? थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा, किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर किसी से डिवाइड है, जैसे मैं कहूँ 8 का स्क्वायर, जनरली फैक्ट बात है कि आपके 8 का स्क्वायर है वो अगर मान लो 2 से डिवाइड है, तो जिस नंबर का स्क्वायर है वो भी अभी क्या होगा? डिवाइड बाई 2. अंडरस्टैंड? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बीच में हमारे इसमें काम आएगा, ध्यान रखना. ओके, तो कम ऑन, लेट्स स्टार्ट नाउ हाउ टू प्रूव जस्ट एंड
दैट इज इरेशनल नंबर. हमको यहाँ पे प्रूव करना है कि रूट फाइव इज जस्ट एन इरेशनल नंबर. आई मीन इरेशनल नंबर हमको प्रूव करना है. तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग करेंगे कॉन्ट्रोडिक्शन से लेके. आई मीन कॉन्ट्रोडिक्शन मतलब हमको क्या करना है, उसको ऑलरेडी मान लेना है कि ये नंबर क्या है, एक रैशनल नंबर है. अंडरस्टैंड? तो कम ऑन लेट्स स्टार्ट नाउ. तो सबसे पहले हमको रूट प्रूव करना है कि रूट फाइव इज रैशनल नंबर. तो हम यहाँ पे कॉन्ट्रोडिक्शन लेते हैं कि रूट फाइव है वो एक रैशनल नंबर है. अब रूट फाइव एक रैशनल नंबर है तो आप अच्छी तरह से जानते हो कि रैशनल नंबर द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू या ए अपॉन बी जो भी है. तो रूट फाइव को आप ए अपॉन बी की फॉर्म में ले सकते हो. कंडीशन अप्लाइज हियर कि बी की वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू जीरो. एंड जहाँ पे भी ए और बी है वो दोनों आपके क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर. को प्राइम मीन्स हैव जस्ट नो फैक्टर अदर देन वन. अंडरस्टैंड? प्रॉपर्टी क्या होती है उसकी, रैशनल नंबर्स की, कि बी की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो और दोनों जो ए और बी है, जो पी और क्यू है, जो भी है, ए और बी दोनों क्या होने चाहिए, आपके को प्राइम नंबर होने चाहिए. ठीक है. उसके बाद में रूट फाइव इजकल टू ए अपॉन बी है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए इसका. तो क्या होगा, रूट फाइव बी ओके इंटू वन इंटू ए ए. रूट फाइव बी इजकल टू ए, सॉरी रूट फाइव बी इजकल टू ए. ठीक है. तो यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टी, आपको प्रोसेस करते ही जाना है, प्रोसेस करते ही जाना है. ठीक है. आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिया, उसके बाद में देखो रूट है, रूट को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. कभी भी आपको किसी भी इक्वेशन में या कभी भी अगर आपको रूट साइन को अगर रिमूव करना है और ऑफसेट करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप उसका स्क्वायर कर सकते हो, ओमिशन करना है सॉरी. ठीक है. तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. अब स्क्वायर करोगे इसका तो क्या होगा, यू विल गेट व्हाट, एक्सक्यूज मी थोड़ा मैं बताता हूँ डिनोट करके. इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो स्क्वायर करो तो रूट फाइव का स्क्वायर फाइव और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर. अंडरस्टैंड? तो हमारे यहाँ पे मिल गया हमको फाइव बी स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर. बेटा हमको यहाँ पे प्रूव करना, थोड़ा माइंड में ऑलरेडी पहले से रखना पड़ेगा कि हमको यहाँ पे रैशनल नंबर प्रूव करना है. तो हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हमने देखी है कि ए और बी को प्राइम नंबर है यहाँ पे, आई मीन ए और बी में. अब हम यहाँ पे कॉन्ट्रोडिक्शन लेके चल रहे हो कि जो रैशनल नंबर है उनमें को प्राइम नंबर होते हैं आपके ए और बी. तो यहाँ पे हमको कॉन्ट्रोडिक्ट प्रूव करना है कि अगर मैं यहाँ पे प्रूव कर दूँ कि ए और बी में है वो किसी अदर वन के अलावा किसी अदर नंबर भी उनका फैक्टर है, क्या वन के अलावा उनका कोई अदर नंबर भी फैक्टर है, तो यहाँ पे ये कॉन्ट्रोडिक्शन है वो रॉन्ग हो जाती है हमारी. फिर हम इससे कह सकते हैं कि नहीं, ये एक रैशनल नंबर नहीं है, एक रैशनल नंबर है. अंडरस्टैंड? यहाँ पर उल्टा ले रहा हूँ, आई मीन मैं उल्टा ले रहा हूँ, ठीक है ना, कॉन्ट्रोडिक्शन ले रहा हूँ. ओके. तो यहाँ पर देख सकते हो ये ए स्क्वायर है, इसको इधर लाओगे तो ये फाइव होगा. अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे ए स्क्वायर वो डिवाइड है किससे, डिविजल बाई फाइव. ओके. चूँकि ए स्क्वायर है वो फाइव से डिविजल है तो सो आप ये भी जानते हो कि अगर कोई नंबर जैसे फाइव स्क्वायर है, अगर फाइव स्क्वायर मतलब 25 है, वो ए फाइव से डिवाइड है, तो जिस नंबर का स्क्वायर है वो भी क्या होगा, फाइव से डिवाइड होगा. अगर ए स्क्वायर फाइव से डिवाइड है तो ए भी क्या होगा, फाइव से डिवाइड है. कॉमन सी बात है, कॉमन सिक्वेंस की बात है. ओके. कॉमन सेंस की आता है, ए विल बी डिविजल बाई फाइव. अंडरस्टैंड? आगे देखे तो ए कैसे लिखा जा सकता है, ए कैन बी रिटन एज, देखो ए क्या है आपके, ए कोई नंबर है, हमने देखा ए स्क्वायर फाइव से डिवाइड है, ए भी क्या होगा, फाइव से डिवाइड होगा. तो ए को किस तरीके से ले सकते हो आप, आई मीन ए डिवाइड है फाइव से, यूँ मान लो, यूँ मान लो ए डिवाइड है फाइव से, तो इसको हमने लिख दिया किस तरीके से, और इसको कोई मैंने मान लिया अलग इंटीजर सी मान लिया. ओके. ए है वो डिवाइड है किससे, फाइव से, तो ये क्या बनेगा, ए इज इक्वल टू फाइव सी. ठीक है. ओके. तो ए को क्या मान लिया, जब आपके ए स्क्वायर फाइव से डिवाइड है, ए भी फाइव से डिवाइड होगा, तो इसको मैं किस फॉर्म में ले सकता हूँ, ए डिवाइड बाई फाइव. ओके. इसका मतलब इसको कोई नया इंटीजर दे दिया मैंने सी, सी जस्ट कोई अनदर इंटीजर है. ओके. तो यहाँ पे ये बनेगा फाइव सी, वेयर द सी जस्ट एन एनी इंटीजर. ओके. उसके बाद में दोनों का अगेन स्क्वायरिंग करना है. ओके. कुछ नहीं करना, सिंपल सी प्रोसेस है, अगेन स्क्वायर करना है. तो स्क्वायर करोगे तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, फाइव सी का स्क्वायर फाइव का 25 एंड सी का सी स्क्वायर. अंडरस्टैंड? ओके. आपने यहां तक किया, अब यहां पे अगेन देख सकते हो कि इक्वेशन नंबर, ठीक है ये इक्वेशन नंबर में फर्स्ट डाल देता हूँ, ये सेकंड. तो यहां से ए स्क्वायर की वैल्यू आप क्या करोगे, यहां पे क्या कर दोगे, पुट कर दोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड में देख सकते हो. अब यहाँ से वैल्यू पुट करोगे तो हो जाएगा फाइव बी स्क्वायर
ये जाएगा आपकी 25c स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया 5 से, ये बन गया बी स्क्वायर 5c स्क्वायर। ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बी स्क्वायर 5 स्क्वायर, अब यहाँ पे देख सकते हो अगेन दैट प्रोसेस कम्स यू नो कि बी स्क्वायर, इसको यहाँ पे लाऊंगे, बी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई डिवीजन बाई 5, वही प्रोसेस है। इसको 5 को इधर लाओगे, देख लो आप अपॉन में आएगा तो बी स्क्वायर क्या है, 5 से डिवाइड है। तो क्या होगा, एंड ऑल्सो सो बी भी क्या होगा, बी विल बी ऑल्सो ऑल्सो डिवाइजेड बाई 5। ओके ठीक है, बी भी क्या होगा, 5 से डिविजल होगा, अंडरस्टैंड। ओके तो यहाँ पे हमारी प्रोसेस खत्म हो जाती है। अम्मी देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए भी 5 से डिवाइड है और बी भी 5 से डिवाइड है, तो ये क्या कंक्लूजन निकालता है पता है आपको, हमने स्टार्टिंग में जब माना था, सॉरी स्टार्टिंग में हमने ये माना था कि जो ए और बी जो नंबर्स है, जो हमारे इंटीजर्स है, वो क्या है, किसी अदर नंबर से डिविजल नहीं है, उनका कोई अदर फैक्टर नहीं है, दोनों को प्राइम नंबर है। लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इन जो इक्वेशन फर्स्ट है जो भी है, इन दोनों रिजल्ट से ये प्रूव होता है कि यहाँ पे जो ए और बी है ना, वो 1 के अलावा किसी अदर नंबर से भी डिवाइड है, मतलब 5 से भी डिवाइड हो रहे हैं। इट मीन्स आप कह सकते हो कि जो हमारा जो ए अपॉन बी हमने जो रैशनल नंबर मानी है ना, वो हमारा क्या है, वो हमारी हाइपोथेसिस है, जो भी है वो हम क्या है, जो हाइपोथेसिस है वो रॉन्ग है। हम यहाँ पे देख सकते हैं, यू कैन जस्ट सी फ्रॉम अबव रिजल्ट्स, यहाँ पे लिखेंगे लाइन, चलो वैसे मैं बता देता हूँ और ये आप इस किताब में से भी ले सकते हो, ये लाइन सबके लिए सेम है, ये प्रोसेस सबके लिए सेम है, बट ये प्रोसेस आपको तभी यूज करनी है जब आपके नंबर सिर्फ रूट में हो, किस में हो, सिर्फ एक रूट में होने चाहिए, तभी ये प्रोसेस आपके हो सकती है, वरना ये प्रोसेस आपको नहीं करनी है, क्योंकि एक और प्रोसेस है, ये रूट वाली प्रोसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना क्या है, मैं बताता हूँ आपको, हमारे एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, सबकी एक ही वो है, बिल्कुल एक ही कहानी है, कोई अलग वो नहीं है, सब में आपको ये लिखना है, उसके अलावा आपको नहीं लिखना है। फ्रॉम अबव रिजल्ट्स, फ्रॉम अबव रिजल्ट्स, अबव रिजल्ट्स इट इज क्लियर दैट, इट इज क्लियर दैट ए एंड बी हैव अ कॉमन फैक्टर, हैव अ एंड बी हैव एट लीस्ट 5। ओके इट इज जस्ट क्लियर दैट, इट इज फ्रॉम अबव रिजल्ट्स इज क्लियर दैट ए एंड बी हैव एट लीस्ट 5 एज अ कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर आई मीन कह सकते हो कि आप जो ए और बी में है उसमें 5 के अलावा, सॉरी 1 के अलावा, अदर देन वन 1 के अलावा भी क्या है, 5 एक क्या है, कॉमन फैक्टर है। ओके तो हमारा यहाँ से क्या हो जाता है, तो सो हमारी जो हाइपोथेसिस है, जो हमने माना था पहले, जो कल्पना की थी हमने, वो क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। आई मीन इसको कह सकते हो तो दैट दिस कॉन्ट्रोडिक्स द फैक्ट, तो सो क्या ले सकते हो, दिस इज कॉन्ट्रोडिक्ट, लिख सकते हो, लिखोगे आप दिस इज कॉन्ट्रोडिक्ट, दिस इज कॉन्ट्रोडिक्ट द फैक्ट। ओके दैट की ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स, इस सब में आपको यही कहानी लिखनी है बेटा, कोई एक भी अलग पर्टिकुलर वो नहीं है, को प्राइम नंबर। तो सो दिस मीन्स, दिस मीन्स आर हाइपोथेसिस
our hypothesis. Is wrong. Okay, so we can conclude that. So we can conclude that root 2 is a rational number. Okay, तो हमने जो भी प्रोसेस की थी बहुत अच्छी प्रोसेस है, कोई हार्ड प्रोसेस नहीं है. चलो अगेन मैं एक बार और डिस्क्राइब कर देता हूँ. सबसे पहले a अपॉन b की फॉर्म में लिखना है. ओके, रूट वाली प्रोसेस है. रूट जब भी आता है रूट को रिमूव करना है आपको, तो क्या करना होगा, आपको स्क्वायर कर देना है. अगेन वहाँ पे देख सकते हो आप कि हम देखते हैं कि a स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 5. यू नो, आप उसका ट्रांजिशन वो करोगे, ट्रांसफॉर्म करोगे दूसरी तरफ, या आप ऑल्टरनेशन करोगे तो आप देखोगे डिवाइड है. तो मैंने आपको थ्योरम बताई थी कि अगर कोई किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर किसी से डिवाइड है, 5 का स्क्वायर 25, 5 से डिवाइड है, तो वो जिस नंबर का स्क्वायर है वो भी 5 से डिवाइड होगा. अंडरस्टैंड? ओके. उसके बाद में हमारी फिर अगेन वही वो कर देनी है. फिर कोई भी हमको एक नाइंट ए 5 से डिवाइड है तो कोई अलग इंटीजर मान लिया सी उसको, तो ए इक्वल टू 5 सी, उसका स्क्वायर कर दिया. ओके, लास्ट में आप देख सकते हो हमको ये प्रूव करना है कि यहाँ पे ए और बी में हमने स्टार्टिंग में ये अज्यूम करके चले थे कि ए और बी में 1 के अलावा कोई अदर फैक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ए और बी में 1 के अलावा 5 भी कॉमन फैक्टर आ रहा है. तो हमने जो माना था वो हमारा क्या हो जाता है, कॉन्ट्रोडिक्स हो जाता है, हाइपोथेसिस है वो रॉन्ग हो जाती है. तो हम यहाँ से ये निष्कर्ष कंक्लूड कर सकते हैं कि रूट 5 है वो एक रैशनल नंबर है. कम ऑन, ये तो थी हमारी रूट वाली थ्योरम. बहुत आसान है, उसके जितने भी क्वेश्चंस है आपको होमवर्क में करके सेंड कर देने हैं. ओके, तो होमवर्क में सेंड कर देने. अब थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ बेटा. एक क्वेश्चन है हमारा बिना रूट, सॉरी, एक नंबर रूट में हो और एक बिना रूट में हो. जैसे इससे हमारा क्वेश्चन हो जाता है कि रूट 7 रूट 5. ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे एक तो रूट नंबर है और एक बिना रूट नंबर है. आई मीन दोनों, एक तो रूट नंबर है रूट 5 और एक यहाँ पे 7 है, वो हमारा एक रैशनल नंबर है. आई मीन हम यहाँ पे बात करेंगे एक तो रैशनल हो और एक रैशनल हो, या एक सिर्फ और सिर्फ एक रूट हो एक बिना रूट हो, उनकी हम बातें उनको कैसे प्रूव करेंगे. तो कम ऑन, वही प्रोसेस है स्टार्टिंग में. लेट वही कॉन्ट्रोडिक से करना है. 7 रूट 5 इज इरेशनल नंबर, सॉरी रैशनल नंबर. क्या ज्यूम करना है हमको, ये ज्यूम करना है कि ये क्या है, रैशनल नंबर है. तो वही 7 रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन बी. ओके, बी इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट सो नॉट बी इक्वल टू 0. ओके, यहाँ पे ये प्रोसेस. अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग होता है कि रूट और बिना रूट उसमें कैसे करना है. आपको उसमें कुछ नहीं करना, आपको जो भी रूट साइड का पोजीशन है, रूट है उसको एक साइड में कर देना है, जो भी बिना रूट नंबर्स है उनको आपको एक साइड में कर देना है. तो अल्टरनेशन करोगे तो देखो, जो भी रूट वाली नंबर्स है उनको एक तरफ कर लो और जो भी बिना रूट है उनको आप एक तरफ कर सकते हो. जैसे ये है हमारा रूट 5, ये दोनों नंबर्स ही आप दे सकते हो 7, और ये बिना रूट है तो उनको एक तरफ कर लोगे मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएगा तो डिवाइड में. ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो गया, ठीक है, अल्टरनेशन पे आप देख सकते हो यहाँ पर रूट 5. रूट 5 क्या है, हमारी एक रैशनल नंबर है. क्या है, आप भी जानते हो जो भी नंबर जो इस सैम्पल में होते हैं रूट वाले सैम्पल में, तो दैट यू कैन कॉल इट जस्ट एन रैशनल नंबर. तो अगर ये रैशनल नंबर है, रूट 5 आपके एक रैशनल नंबर है, आई मीन सॉरी, ये जो आपके नंबर है ए है, ये 7 अपॉन के 7 भी आप देख सकते हो, ये ए हमारा क्या है, एक इंटीजर है. ओके, इंटीजर है. 7 भी, ये भी क्या आपके इंटीजर है. अगर ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, तो पूरा क्या हो जाएगा, एक इंटीजर. अगर ये इंटीजर है तो पूरी क्या हो जाएगी, एक क्या होगी, पी अपॉन, क्योंकि फॉर्म में आप लिख रहे हो ये भी इंटीजर है, ये भी आपके एक इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो ये पूरी क्या हो जाएगा, ये भी इंटीजर है. तो इसका मतलब ए अपॉन 7 भी क्या हो जाएगी, एक रैशनल नंबर हो जाएगी. लेकिन हमने स्टार्टिंग में ये अज्यूम किया था कि आपके जो 7 अपॉन के रूट 5 है वो एक रैशनल नंबर अज्यूम किया था. अंडरस्टैंड? तो अगर a अपॉन 7 भी आपकी एक रैशनल नंबर है तो आपके ये रूट 5 क्या हो जाएगा, रूट 5 भी आपकी क्या हो जाएगी, रैशनल नंबर हो जाएगी. अगर ये आपकी रैशनल नंबर है तो ये भी रैशनल नंबर होगी. लेकिन स्टार्टिंग में तो हमने ये अज्यूम किया था कि आपके जो 7 रूट 5 है ये क्या है, आपके ये क्या है, रैशनल नंबर, सॉरी रैशनल नंबर हमने अज्यूम किया था.
तो ये क्या हो जाएगा हमारा, जो हमारी जो कॉन्ट्रोडिक्स है, जो हमारा हाइपोथेसिस जो हमने मानी है, जो भी हमने अज्यूम किया है, वो हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग। ओके, स्टार्टिंग में हम मान रहे हैं कि 7√5 है, वो एक रैशनल नंबर है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये नंबर आपके रैशनल आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी क्या होनी चाहिए, रैशनल नंबर होनी चाहिए। लेकिन हम जानते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो भी रूट वाले नंबर है, 5, 7, 3, ये सारे क्या हैं, आप जो भी सैम्पल में आते हैं वो सारे क्या हैं, आपके रैशनल नंबर हैं। ठीक है, तो ये आपका कॉन्ट्रोडिक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर हम जो भी आपकी वही कहानी है, हमारी जो हाइपोथेसिस इज स्ट्रॉन्ग, तो वी कैन कंक्लूड दैट। तो सबसे पहले क्या लिखना है यहाँ पे, तो आपको लिखना है, यहाँ पे लिखोगे तो हम देख सकते हैं, क्योंकि 7 EB अभी क्या है, आर इंटीजर्स। ओके, तो ये अपॉन 7 B क्या हो जाएगी, इज अ रैशनल नंबर। ओके, तो अगर ये दोनों ये सारे इंटीजर्स हैं, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी रैशनल नंबर हो जाएगी। लेकिन वी नो दैट रूट 5 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। ओके, तो हमने ये अज्यूम किया था कि आपके 7 AB सारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं, तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर हो जाएगी। लेकिन तो अगर ये नंबर रैशनल है, तो ये भी क्या होगी, आपकी रैशनल नंबर होगी, 5 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। बट वी नो दैट 5 इज अ इरेशनल नंबर। लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 5 है, जो भी सिंबल में होती है, वो सारी क्या है, आपके इरेशनल नंबर्स। ओके, इरेशनल नंबर्स है। तो सो बट so r we can conclude that आगे का वही, we can conclude that कि root 5 is a rational number। okay, तो ये तो थी हमारी how to understand prove rational numbers। okay, तो बेटा इसके बाद हम, और ये बता दूँ आपको, जो भी आपको ये कराया जा रहा है, आपको डेली होमवर्क में करना है और सेंड करना है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है भेज दी गई है आपके ग्रुप्स में, आपको होमवर्क कर, अब तक जो भी मैंने पढ़ाया है उन सबका होमवर्क करना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको क्रिएट होती है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, एंड लेकिन होमवर्क आपको सबको भेजना है। ओके, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम होगी। सेम कहानी है दोनों की, रूट नंबर एक बिना रूट नंबर, दोनों का सेम कहानी है। उसका थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, इसका थोड़ा सिंपल प्रोसेस है कि रूट नंबर्स और बिना जो भी रूट नंबर्स है उनको आपको अलग करना है। हाँ, नीचे की जो स्टोरी होगी आप एग्जांपल्स में और देख सकते हो, अगर नहीं दिख रहा हो तो, ये एक सब की दोनों की सेम कहानी है। इसमें आपको देखा था, इसमें भी वही कहानी है, यहाँ पे इंटीजर देखना है, ये रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर, लेकिन हम जानते हैं कि ये रैशनल नंबर है। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेल। डोंट वरी, एनी प्रॉब्लम यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट मी। ओके, बेस्ट ऑफ लक।